कॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत जो भी यानी कि उसके अंतर्गत मत्स्य पिसीच को हमने पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मत्स्य का वर्गीकरण किया गया था कुछ ऐसे जलीय पौधों को जो पूर्णतः क्या थे, जलीय थे। और उसमें हमने एक फिश का वर्णन भी किया था जिसका नाम था डॉग फिश, या जिसे कहते हैं स्कोली डी ऑन। उसी के आगे उसमें इस संघ के अंतर्गत और भी फिशेज आती हैं, जंतु आते हैं, जिसका एक्सप्लेन हमने आपको उसकी थ्योरी में किया हुआ है। तो उसी के आगे आज जो हमारी दूसरी फिश है जिसका नाम है विद्युत रे या टारपीडो, तो हेडिंग डाल लेंगे आप सभी लोग विद्युत रे या टारपीडो, विद्युत रे या टारपीडो, विद्युत रे या टारपीडो, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, है ना। ये हमने आपको कल भी बताया था कि ये ऐसी प्रकार की मछली होती है जो क्या है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करती है, यानी कि अपने शरीर में करंट को उत्पन्न करती है। और करंट जैसे ही कोई जीव जंतु इसके संपर्क में आता है उसे करंट लगता है, वह तुरंत क्या है अपने आप को जब तक संभालता है तब तक दूसरा क्या होता है जंतु वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और या फिर छोटे जंतुओं को ये करंट दे देती है और फिर उसे खा लेती है, उसका पोषण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये मछली है। तो इसके अंतर्गत लिखिए यह है समुद्र के तल पर, यह है समुद्र के तल पर रेत में पाई जाने वाली, यह है समुद्र के तल पर रेत में पाई जाने वाली मछली है, यह समुद्र के तल पर रेत में पाई जाने वाली मछली है। इसका शरीर चपटा तथा सिर चौड़ा, इसका शरीर चपटा तथा सिर चौड़ा, वह आगे से गोल होता है। सिर पर नेत्र व श्वास रंध्र होते हैं, सिर पर नेत्र व श्वास रंध्र होते हैं। फिर लिखेंगे इसमें अंश पंख भी होते हैं जो सिर व धड़ के किनारे के साथ साथ फैले रहते हैं। सिर पर दोनों ओर त्वचा के नीचे एक जोड़ी विद्युत अंग होते हैं, एक जोड़ी विद्युत अंग होते हैं। ये शत्रु को बिजली का झटका देने एवं शिकार करने दोनों के काम आते हैं। फिर से सुनेंगे कि सिर पर दोनों ओर त्वचा के नीचे एक जोड़ी विद्युत अंग होते हैं
एक जोड़ी विद्युत अंग होते हैं, ये शत्रु को बिजली का झटका देने, ये शत्रु को बिजली का झटका देने एवं शिकार करने दोनों में काम आते हैं। तो आपको हम पहले ही बता दिया है कि जैसे इसके शरीर पे क्या है, इलेक्ट्रिक रे है ना, तो जब जैसे ही कोई शिकार आके या कोई छोटी मछली आती है इसके सामने जिसका ये भक्षण करना चाहती है, उससे ये टकराती है तो क्या वह विचलित हो जाती है। जैसे विचलित होती है ये उसका शिकार कर लेती है। अब ये किसी बड़ी मछली के चक्कर में जब फंस जाती है तब ये क्या करती है, अपना इलेक्ट्रिक प्रवाह करती है। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक रे उसके शरीर में पड़ती है वह विचलित हो जाता है, जब तक वो अपने आप को संभालता है जब तक ये वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये अपने आप को बचाने तथा शिकार करने दोनों में काम आती है। फिर लिखेंगे, चलिए इसका डायग्राम बना लीजिए। अच्छा फिर
ये इसके क्या है, नेत्र है, ठीक है, और ये इसका विद्युतांग है, ये इसके श्वास तंत्र है, ये अंतपंक्ति है, ये धड़ है, ये श्रवणी पंक्ति है, ये प्रथम पृष्ठ पंक्ति है, ये द्वितीय पृष्ठ पंक्ति है, ये त्रिपुंज है, और ये कुछ पंख है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, टॉर्पीडो है। जैसा कि हमने आपको बताया कि देखिए इस प्रकार से ये आपकी कौन सी मछली है, टॉर्पीडो या विद्युत रे। तो देखिए इसके ये नेत्र है जिसके द्वारा ये क्या है, देखती है, ये श्वास तंत्र है जिसके द्वारा ये श्वास लेती है, ये इसके विद्युत अंग है, यानी विद्युत के द्वारा ये क्या करती है, करंट फैलाती है, ये अंशपंख है, ठीक है, ये जो आसपास लगे आप देख रहे हैं ये अंशपंख है, ये इसका धड़ है, बीच का भाग है, और ये इसका श्रोणी पंख है, ये इसके प्रथम पृष्ठ है, इसके द्वितीय पृष्ठ है, ये कुछ पंख है जिसकी सहायता से ये क्या करती है, तैरती है जल में। ये आपकी विद्युत रे यहाँ लैब में अवेलेबल है, किसी दिन हम आपको ये विद्युत रे ओरिजिनल दिखाएंगे, ओके। तो आप ये जो डायग्राम है इसे आप बना लीजिए और समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये विद्युत रे दिखाई देती है। देखिए बन गया हो तो थोड़ा सा लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है अस्थि मत्स्य। अस्थि मत्स्य का मतलब क्या होता है, अस्थि माने क्या होती है, बोन, बोन माने हड्डियाँ, यानी कि ऐसी मछली जिसके अंदर क्या पाई जाए, हड्डियाँ। तो लिखिए हेडिंग डालेंगे अस्थि मत्स्य। अस्थि मत्स्य, अस्थि इस वर्ग को, इस वर्ग को टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, इस वर्ग को टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, इस वर्ग को टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, इस वर्ग की मछलियां, इस वर्ग की मछलियां सबसे अधिक, इस वर्ग की मछलियां सबसे अधिक विकसित मानी जाती हैं, इस वर्ग की मछलियां सबसे अधिक विकसित मानी जाती हैं, इनका अंतः कंकाल, इनका अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है, इनका अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है, तथा बाह्य कंकाल, तथा बाह्य कंकाल टीनाइड, टीनाइड बाह्य कंकाल टीनाइड कॉमा साइक्लाइड तथा गैनाइड सल्कों का बना होता है, तथा गैनाइड सल्कों का बना होता है, फिर अगली लाइन से लिखेंगे, इनके शरीर पर
इनके शरीर पर चार जोड़ी क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं। इनके शरीर पर चार जोड़ी क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं, जो कि श्वसन में सहायक होती हैं, जैसे उदाहरण में लिखेंगे लेबियो, जिसे क्या कहते हैं, रोहू, ठीक है, लेबियो ब्रैकेट में लिखेंगे रोहू कॉमा कटला हिप्पोकैम्पस रिमोरा एनावास आदि। तो ये किस प्रकार की मछलियां हैं, किस प्रकार की मछली, अस्थि युक्त है ना, इनमें क्या पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, टीलियोस्टोमाई कहते हैं या अस्थि मत्स्य कहते हैं और या अस्थि क्विज भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए ये। और इसके आगे कल हम आपको इसके मुख्य सदस्य पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत इसमें रेहू मछली है, समुद्री घोड़ा है और जो जो मछलियाँ आती हैं उसके अंतर्गत हम आपको वो आगे का भाग पढ़ेंगे।